अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद जायकेदार हैदराबाद में। आज हम बनाने वाले हैं दही की कढ़ी। आइए रेसिपी स्टार्ट करेंगे। एक जार में दो बंच यानी दो कट्टे कोथमीर ले लेंगे फ्रेश, और इसमें बड़ा एक डल्ला लहसुन डालना है और 2.5 टेबल स्पून ज़ीरा डालना है। अब ये सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। तब तक ये है दही, 1 किलो दही है, हम लोग रात में ही रखे थे इसको सेट करने के लिए। अच्छे से सेट हो गया दही, एक खुले बर्तन में डाल लेंगे इसको, दही को अच्छे से क्लीन करके निकाल देंगे। देखिए, और घर का दही बहुत अच्छा रहता है। इसमें नमक डाल देंगे, नमक आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। 1/2 टीस्पून हल्दी और बेसन डाल देंगे, और 3 टेबलस्पून बेसन, और ये जो कोथमीर का पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे, कोथमीर ज़ीरा और लहसुन का पेस्ट है ये। अभी अच्छे से फेंट लेंगे सब चीज़ों को, बेसन के कुछ भी लम्प्स नहीं रहना है, उस तरीके से फेंट लेना है इसको। देखिए, अभी तो आपको ये ग्रीन कलर में थोड़ी दिख रही होगी, लेकिन इसको जब बॉईल करने रखते हैं अपन, तो जब ये उबलती तब इसमें अच्छे से कढ़ी का कलर आ जाता, येलो कलर, जो कि यूजुअली कढ़ी का कलर रहता। मिक्स करने के टाइम पे सब चीज़ें कच्चे रहते तो इसी तरीके का कलर दिखता, पकने के बाद जो रियल कलर है वो आ जाता। देखिए, अच्छे से फेंटने के बाद इसमें हरी मिर्ची का पेस्ट डालेंगे, 4 टेबलस्पून हरी मिर्ची का पेस्ट है ये। ये हम लोग ऑलरेडी हरी मिर्ची का पेस्ट बना कर रखते, थोड़ी सी हल्दी डालकर पेस्ट बना के रख देते ए टाइट कंटेनर में, तो जब चाहे यूज़ कर सकते। देखिए, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया। अब ये जो जार में कोथमीर हुए ग्राइंड करे थे उसमें थोड़ा पानी डालकर निकाल देंगे, और ये जो कुंडा है मट्टी का जिसमें दही जमाए थे उसमें भी थोड़ा पानी डालकर निकाल देंगे। इसमें 2 ग्लास पानी लगता, तो 2 ग्लास पानी ऐड कर लेंगे। मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी 3 से 4 हरी मिर्ची डालना है, और करिया पात डालना है, और ये छोटी मीडियम प्याज डालना है, खड़ी कटी हुई प्याज डालना है। मिक्स कर लेना है, बारीक काटना है प्याज को, और उसको उबलने के लिए रख देंगे। देखिए, ये 1 ग्लास चने की दाल है जो ऑलरेडी 3 से 4 घंटे भिगा कर रखे थे। अभी इसको एक जार में डाल देंगे और दरदरा पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी डालकर पीसना है, अगर आपको पीसने में प्रॉब्लम होगी तो थोड़ा सा पानी यूज कर सकते। चने की दाल पीसने के बाद कोथमीर, 1 मीडियम प्याज और 1 टेबल स्पून करिया पात डालना है, और ये है 1 टीस्पून अदरक लहसुन, 2 चुटकी हल्दी और 1 चम्मच चाय का लाल मिर्ची, नमक आपके हिसाब से, और ये है पालक, फ्रेश पालक है ये, हम लोग के झाड़ों पे लगी थी पालक, के कट करके डाल देना है ये पालक को। आप चाहे तो पालक को स्किप भी कर सकते, लेकिन पालक से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, तो इसलिए हम लोग पालक भी यूज़ करते हैं। ये सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो
इसको बॉईल करने के लिए रख लेते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा बॉईल हो रही है, देखिए अब अच्छे से बॉईल हो गई, कलर भी चेंज हो गया। अभी फ्लेम ऑफ कर देंगे और अभी इसके अंदर डालने के लिए भजिया तलेंगे। देखिए इस तरीके से भजिया डाल देना है, ये पूरे भजिए तल देना है। तब तक कढ़ी को ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे, क्योंकि गरम गरम कढ़ी में भजिए डाले तो ये जो भजिए हैं टूट जाते, तो इसीलिए कढ़ी थोड़ी ठंडी होने के बाद ही हम लोग इसमें ऐड करेंगे। ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है, लो मीडियम फ्लेम पे रखकर, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखकर इसको फ्राई करना है, क्योंकि अंदर भी अच्छे से पक जाना है। ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए, कढ़ी भी ठंडी हो गई। अब इसमें डाल देंगे, उतनी भी ज़्यादा ठंडी नहीं होना है कढ़ी, कुनकुनी रही तो चलता। देखिए अच्छे से बन गई कढ़ी। अभी इसको बघाड़ देंगे, जो भजिया तले थे वही, उसमें से 5 टेबलस्पून तेल लेके 2 टेबलस्पून बारीक कटी हुई खड़ी प्याज डालना है और लहसुन डालना है इसमें 1 टेबलस्पून। देखिए यह है 1 टीस्पून ज़ीरा और राई, 1 टेबलस्पून राई डालना है और 1 टेबलस्पून ज़ीरा डालना है। मिक्स कर लेंगे। प्याज थोड़ी गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसमें करिया पत्ता डालना है, करी लीव्स, और ये है सूखी मिर्चियाँ, 4 से 5 सूखी मिर्चियाँ डालना है, साबित नहीं डालना है, तोड़ कर डालना है। 1 सूखी मिर्ची को 2 में डिवाइड करके डालना है। देखिए बघाड़ रेडी है, इसको बघाड़ देंगे और हमारी मज़ेदार कढ़ी रेडी है। देखिए आप ज़रूर ट्राई करिए, आपका कोई और भी मेथड है कढ़ी बनाने का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।